बहुत दिनों के बाद किसी टीजर को देखकर जबरदस्त फीलिंग आई है। द कश्मीर फाइल्स और भूल भुलैया 2 के बाद बॉलीवुड में सूखा पड़ा हुआ है। साउथ के अलावा कोई भी हिंदी फिल्म लोगों का दिल नहीं जीत पा रही, लेकिन अब जो हुआ है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। कुछ देर पहले ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म विक्रम वेदा का फर्स्ट टीजर रिलीज हुआ और यकीन मानिए, इस टीजर से एक सेकंड के लिए भी आंखें नहीं झपकी। माइंड ब्लोइंग के अलावा आपके मुंह से इस टीजर को देखकर और कुछ नहीं निकलेगा। इतना सस्पेंस, इतना एक्शन और सन्नाटे को चीरती आवाजें, इतना बढ़िया टीजर बहुत वक्त के बाद देखने को मिला है। टीजर में ऋतिक के ही गिने चुने डायलॉग हैं, लेकिन ऋतिक के इन डायलॉग्स के बीच सैफ अली खान की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक्शन को इतने रियल तरीके से फिल्माया गया है कि देखकर आपको फील आ जाएगी। अगर टीजर इतना शानदार है तो ये फिल्म क्या बनी होगी। ऋतिक और सैफ दोनों शानदार एक्टर हैं। एक्शन में ऋतिक का कोई तोड़ नहीं है। धूम से लेकर वॉर तक में ऋतिक ने जबरदस्त एक्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ सैफ तो पिछले कुछ वक्त से चौंकाने वाले किरदार कर रहे हैं। सीक्रेट गेम्स से लेकर तानाजी तक में उनकी परफॉर्मेंस तारीफ के काबिल रही है। अब जब दो इतने शानदार एक्टर हैं तो फिल्म अपने आप में ही लाजवाब हो जाती है। लेकिन इन दोनों के साथ फिल्म को बढ़िया बनाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर गायत्री और पुष्कर की भी है। गायत्री और पुष्कर इसी फिल्म को साउथ में आर माधवन और विजय सेतुपति के साथ बना चुके हैं और वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही थी। इसलिए गायत्री और पुष्कर के सामने चुनौती ये है कि उन्हें अपनी फिल्म को हिंदी में और बढ़िया तरीके से डायरेक्ट करना है और अब टीजर को देखकर तो यही लग रहा है कि वाकई में कमाल हो गया है। ऐसी कई फिल्में हैं जो साउथ में हिट होने के बाद यहाँ भी सुपरहिट हुई हैं। कबीर सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप बहुत दिनों से किसी बढ़िया फिल्म की तलाश कर रहे थे तो वो विक्रम वेदा है। आपको कैसा लगा ये टीजर हमें कमेंट में जरूर बताइए और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।